नगर निगम धर्मशाला के सिद्धपुर में अज्ञात लोगों द्वारा गत रात शिवलिंग तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में बजरंग दल ने डीपीजी प्रदेश पुलिस को ज्ञापन भेजा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। शिवलिंग को तोड़कर साथ लगती झाड़ियों में फेंक दिया गया था। इसकी सूचना रात को ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी। नगर निगम धर्मशाला के सिद्धपुर में अज्ञात लोगों द्वारा गत रात शिवलिंग तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में बजरंग दल ने डीपीजी प्रदेश पुलिस को ज्ञापन भेजा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। शिवलिंग को तोड़कर साथ लगती झाड़ियों में फेंक दिया गया। इसकी सूचना रात को ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी। बजरंग दल ने इस घटना के विरोध में एसपी के माध्यम से डीजीपी को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि ऐसे हिंदू विरोधी तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगामी समय में देवभूमि का माहौल खराब ना हो पाए। शिवलिंग तोड़ने की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए थे तथा उन्होंने हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल विभाग प्रमुख नरेंद्र धीमान ने कहा कि सिद्धपुर स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, विधर्मियों द्वारा और शिवलिंग तोड़ा गया है। हमारी मांग है कि हिंदू विरोधी तत्वों और स्लीपर सेल जो एक्टिव हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में डीजीपी को एसपी जिला कांगड़ा के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। हमारा मानना है कि मेजोरिटी को उकसाने और दंगे भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका जो सिद्धपुर है फतेहपुर धर्मशाला में, उसमें शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है पिछले रात विधर्मियों द्वारा, और उसमें शिवलिंग को तोड़ा गया, खंडित किया गया है। साथ में जो नंदेश्वर हैं उनको भी उठाए खंडित किया गया और उठा के दूर फेंक दिया गया था। हमारा ये कहना है कि विधर्मियों की यहाँ पर जो बढ़ती गतिविधियाँ हैं, जिसका पहले भी जो यहाँ पर जेएनयू द्वारा बुलाई गई जो लड़कियाँ थी, जिन संगठनों ने जिन संस्थाओं ने उनको बुलाया था, हमारा ये मानना है कि जितने भी इनके स्लीपर सेल यहाँ एक्टिव हैं उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त जाँच की जाए, और वो सब लोग जो हिंदू विरोधी हैं यहाँ पर, जो अपने हिंदू विरोधी विचारधारा रखते हैं, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने आज डीजीपी महोदय को एसपी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है। हम ये मानते हैं कि जो भी हिंदू विरोधी जो विधर्मी है उनके द्वारा गतिविधि की गई है, और दूसरा ये जानबूझ के जो बहुसंख्यक है मेजोरिटी जो है उसको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और दंगे भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि कल देर शाम को किसी व्यक्ति ने सिद्धपुर के समीप शिवलिंग को तोड़कर फेंक दिया था। उस संबंध में आज लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। एसएचओ को रात को ही मौके पर भेजा गया था। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कल शाम को देर शाम को एक इंसिडेंट हुआ था कि किसी व्यक्ति ने सिद्धवाड़ी सेक्रेड हार्ट स्कूल के बैक साइड में सिद्धपुर में एक मंदिर है, वहाँ से शिवलिंग को तोड़ करके कुछ डिस्टेंस पे फेंक दिया था। उस संबंध में ये लोग आए थे अपना ज्ञापन देने, बट वी हैव एसएचओ उसी समय हमने रात में ही मौके पे भेज दिया था और सारा होमवर्क हमने कर लिया था। केस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग, इट्स अबाउट टू बी रजिस्टर्ड, और बहुत जल्द जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं हम उनको अप्रिहेंड करके विल सेंड देम टू द कोर्ट। नहीं, हाँ, नो कमेंट्स। उन्होंने कहा है वील इन्वेस्टिगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, जो भी तथ्य आएंगे, जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, विल टेक देम टू टास्क और उनको बुक करेंगे और उनके अगेंस्ट केस अदालत में भेजेंगे।